दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं तो आपने एक चीज़ जरूर ध्यान दिए होंगे कि कई बार ट्रेन के ड्राइवर, जिसे हम लोको पायलट कहते हैं, वे डीजल से चलने वाली ट्रेन को कई कई घंटों तक बंद नहीं करती है, जबकि वे बंद करके डीजल की बचत कर सकते हैं। तो आखिर वे क्यों नहीं करते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर वन, लोकोमोटिव को बंद कर देने से ब्रेक पाइप में प्रेशर घट जाता है, क्योंकि ब्रेक पाइप का प्रेशर को कंटिन्यू कंप्रेसर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसे में अगर डीजल लोकोमोटिव को पुनः बंद करके चलाया गया तो उनमें प्रेशर को पाने के लिए बहुत समय लगेगा और इससे ब्रेक सिस्टम फेल भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि किसी भी डीजल लोकोमोटिव को स्टार्ट करने से पहले उसके चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद ही डीजल लोकोमोटिव को स्टार्ट किया जाता है। इस काम में लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाता है, इसीलिए उसे स्टॉप ना करके ऑन ही छोड़ दिया जाता है। तीसरा रीज़न यह है कि ट्रेन का डीजल इंजन 16 सिलेंडर का होता है, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है, जिससे इंजन को बंद करके दोबारा स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इग्नाइट टेम्परेचर लगाना पड़ता है, जिससे डीजल की खपत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं जो कि चेंज हो जाएंगे, इसीलिए भी डीजल इंजन को बंद नहीं किया जाता है। चौथा रीज़न यह है कि लोकोमोटिव में लगे कंप्रेसर को हमेशा ऑन रखने के लिए और उनमें लगी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उनसे जुड़े सारे फंक्शन काम करना बंद कर देगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से लोकोमोटिव को जल्दी बंद नहीं किया जाता है। आशा करती है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।